चिकन कुकिंग हो चुके हैं, अभी खाने का लायक हो गया। क्या बढ़िया गैस। काटे हैं चिकन, बहुत ही बढ़िया हुआ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी जाना पड़ेगा बैंक की तरफ, क्योंकि बैंक में पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब का पैसा आने वाला है इसलिए। सो गाइस, अभी हम लोग बैंक पे गए हैं, तो बैंक पे जाने के बाद तो इसका पहला पेमेंट आ चुका है लगभग 15,000 रुपया। तो विदड्रॉ कर चुके हैं, पास पेमेंट इसका, तो इसका पैसा से कुछ खिलाइए बोलते हैं। चाउमीन खाएंगे, चिकन चाउमीन। सो यहाँ पर आ चुका है चाउमीन, तो इसका पास यूट्यूब पेमेंट से खिला रहे हैं मुझे। पास यूट्यूब पेमेंट आया लगभग 15,000 रुपया ना, उसी का पैसे से मुझे खिला रहे हैं। तो मैं इसको हमेशा खिलाता हूँ, तो ये मुझे पहली बार खिला रही है अपना मेहनत का पैसा से। तो खाते हैं चिकन चाउमीन का इस, और चाउमीन वाउमीन खाने के बाद हम लोग उसी में आ चुके हैं वो बिस्कुट लेके जाने के लिए। तो उसका पहला पेमेंट है ना, तो पेमेंट के लिए कुछ खिला रहे, तो सबसे पहले मुझे चाउमीन खिलाया, उसके बाद अपना माता पिता को कुछ खिलाएंगे खाने का चीज़ें। 10K पार्टी के लिए हम लोग एक केक ऑर्डर किया है प्रियंका के लिए, तो 1 kg का, ज़्यादा नहीं, छोटा सा पार्टी होगा। तो गैस अभी जाएंगे चिकन लेने के लिए, आज खाएंगे चिकन के साथ, ये खिलाएगी चिकन, सबको खिलाएंगे। आज लगाते हैं बाइक पे ये वाला, तो कहाँ लगा समझ नहीं आ रहा मुझे, यहाँ पर लगा देंगे। फाइनली हो गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और गैस हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। या अरे भाई साहब, चिकन मिलेगा? चिकन गरम गरम मिलेगा, गरम गरम। ओके, 1 kg चाहे, 1 kg हाँ, पूरा फ्रेश फ्रेश चिकन चाहे। यहाँ से जाने का फिनिश कर देंगे, काश और कलेजा मिल जाता, बहुत ही मस्त होता, निकल लेगा ना। हाँ हाँ, 1 kg ले लेंगे चिकन, यहाँ से जाने का कुकिंग करके खाएंगे गैस। ओ भाई साहब, हैंडसम हैंडसम फिश देना, ठीक है? हाँ हैंडसम चाहिए। ये भाई साहब जब भी मुझे चला देता है हमेशा। कितना रुपए का चला दिया? कितना रुपए का? 10 रुपए का चला, 20 रुपए का, इतना चला। हमारा यहाँ पर गुणनगर एरिया में चिकन पूरा बैन है, बस यहाँ पर मिलता है बिल्कुल नदी के किनारे, तो रोड के किनारे चिकन बेचना बैन है। बस रोड से लगभग 150-200 meters अंदर ही मिलता है, यहाँ पर बिल्कुल नदी के किनारे जंगल के साइड में मिलते हैं, रोड पे बैन है दरअसल। और यहाँ से ले लेते हैं दीराए 30, हमारे गांव का दुकान है, तो हमारे गांव पे यहाँ पर सबसे सस्ता सामान मिलता है। काले नरियल, नरियल चाहिए। आज तो 15 अगस्त नहीं, आज तो 14 अगस्त है, लेकिन सबसे पहले आज तो मनाया गया। कुछ लोग का कहना है कि बड़ा बड़ा इतिहासकार कहते हैं कि आज मनाए गए हैं, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ही मनाया गया आज, 14 अगस्त मनाया गया, और बांग्लादेश हिल चिटागोंग हिल ट्रैक्स में वहाँ पर मनाया गया, तो इंडिया पे तरह लेट करके मनाया गया। तो इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज़ है इसलिए। तो इसलिए सभी लोग मनाते हैं 15 पे, तो कुछ लोग 14 से ही स्टार्ट कर दिया, ठीक तो है, तो आज 14 है, तो मैं 14 से स्टार्ट कर दिया। मैं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आज 14 अगस्त है, तो कुछ लोग पहले मनाया है 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ से कुछ लेगा बीच ये ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। सो दोस्तों, फिर से बारिश हो रहा है पूरा जोरदार से, तो अभी बहुत तेज़ी से धूप हुआ था, तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर खाऊंगा चिकन, तो चिकन की तैयारी चल रहा है। चिकन बर्तन पे नहीं पकाएंगे, बल्कि कहाँ पकाएंगे? बैम्बू में पकाएंगे। हाँ, आज चिकन पार्टी। हाँ, इसका वो भी इसका इतने खुर्दा। चिकन पार्टी दे रहा हूँ। हाँ, चिकन पार्टी, यानी कि पास पेमेंट है ना, यूट्यूब का पेमेंट से खिला रहा है। कल नहीं तो परसों केक कटिंग हो जाएगा। हाँ, केक कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पर रखा है 2 बैम्बू, इसमें बनाएंगे, और यहाँ पर जला रहे हैं चिकन, 1 kg फिनिश कर देंगे सबके। और मैंने जला भी लिया है, अभी छोटा छोटा करके पीस करना है, कटिंग करना है। ये पापा के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब कुछ। लेडीज का चाहिए और क्या, लोकल का चाहिए, लेडीज लोकल का चाहिए। वाह,
मुझे पसंद है टंगरी, दो रो टंगरी, बस एक ही टंगरी खा जाऊंगा। ओके सो दोस्तों, इसी में सब कुछ मिला चुके हैं, नमक मिर्ची और प्याज और मसाला, लेकिन लहसुन नहीं डला है, तो तेल भी डला साथ में, सरसों का तेल, और अभी डालना है बेम्बू के आटे में घुसा के कुकिंग करना है। और ससमा जी हेल्प कर रही है, यहाँ पर दो दो है बेम्बू, उसमें बनाएंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल से। वाह मस्त लग रहा है गाइस। अभी यहाँ पर एक पीस करके डालेंगे बेम्बू में, बेम्बू के अंदर में घुसा के कुकिंग करेंगे। इतना डाला मिर्ची, इतना डाला मिर्ची, लेकिन सुबह सुबह हालत खराब हो जाएगा, तो मिर्ची खाते खाते इसका भी हो चुका है ना एक्सपीरियंस। इसमें सब कुछ डाला है, नमक मिर्ची हल्दी लहसुन नहीं डालता है वो बेम्बू का साथ बनाने से। तो यहाँ पर डाल लेते हैं पत्ता, ऊपर में ढक्कन के थ्रू प्रेस करते हैं, ज़्यादा थैत करके नहीं लगता है, थैत से बम की तरह ब्लास्ट हो जाएगी। अभी डालते हैं आग में, शायद में कुकिंग कर देंगे, तो बर्तन से कुकर से बनने से भी इतना अच्छा नहीं होता है, तो ये बेम्बू का अंदर में डाल के बनाने से बहुत ही अच्छा होता है इसका टेस्ट, पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल से। सो गैस, आप लोग इस तरह चिकन या मटन या मछली बना के खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो आप लोग इस तरह करके बना के खाए बिल्कुल, वहाँ पर ना लहसुन मिक्स मत कीजिए, लहसुन मिक्स करने से पूरा खुशबू और स्वाद अलग ही हो जाएंगे, इसलिए बेकार हो जाएंगे, तो वहाँ पर मत डालिए लहसुन। सो पैंद्रे चिकन कुकिंग हो चुके हैं, अब इसको बाहर निकालेंगे। वाओ खाने का लायक हो गया, तो दखन काफ़ी गर्मी है, इसे कहते हैं गैस ट्रेडिशनल कुकिंग। बहुत ही गर्मी है, वाह अंदर पे, अब इसको निकालेंगे। या बढ़िया गैस, या 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 या। वाह मस्त, अंदर पर भी है, बेम्बू चल गया है, इसलिए तरह जोर से नहीं गिर रहा है, तो बेम्बू को खाद कर निकलना पड़ेगा, अंदर पे है। फाइनली सब गिर गया है और मस्त लग रहा है यार चिकन। और यहाँ पर कुकिंग हो रही है, फ्राई है दूसरा ये, तो ये भी फ्रेश अप होने के बाद आ गया कुकिंग करने के लिए, तो अब ये खाना खाएंगे, इसमें निकाल रहे चावल चिकन के साथ। तो दोस्तों फाइनली तो खाना वाना तो रेडी हो चुके हैं, तो अभी खाएंगे खाना बिल्कुल चिकन के साथ, बेम्बू में डाल के कुकिंग किया है, वही बिल्कुल लोकल पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल से, तो ये सदियों पहले से ये चलते आ रहा है कि बेम्बू में कुछ भी पकाते हैं, हमारे यहाँ पर चावल भी पका के खाते हैं, मीट मछली जो भी है सब्जी पूरा पकाते हैं, तो इसका स्वाद बहुत ही मस्त होते हैं। और ये है मेरा थाली, ये है चिकन हुआ और बैंगन, ये मछली, या फैमिली के साथ खाएंगे। अभी सभी लोग तो खाना खा रहे हैं, तो मेरा भी आ चुके हैं खाना खाने का वक्त, तो मुझे भी खाना चिकन के साथ, तो ये बेम्बूसूत के साथ मछली तो बना के रखे है, तो सुबह बनाया, तो अभी खाएंगे चिकन के साथ खाना। तो एक्चुअल में ना मैं गरम गरम खाना खाने सकता हूँ, इसलिए तरह हवा पे पंखा का हवा पे रखा हूँ मैं चावल, आके ठंडा हो। तो दोस्तों ऐसे में आ चुके हैं चिकन दिनार के, जब मछली बैंगन से चढ़ाते बैंगन खाते हैं चिकन, बहुत ही बढ़िया हुआ। बैंगन में डाल के पकाया सब सब, मजेदार चिकन। मसाला
फिनिश कर देंगे। नहीं छोड़ेंगे सब फिनिश कर देंगे। चावल मुझे और लेना है चावल। दोस्तों फाइनली काफी के तो कंप्लीट हो चुके हैं। चिकन के साथ बहुत ही मजा आया। वो बेम्बू का अंदर में डाल के बनाते हैं हम लोग चिकन, तो ट्रेडिशनल स्टाइल है वो। तो हमारे यहाँ पर सदियों पहले से वही चीज़ खाते आ रहे हैं बेम्बू पे डाल के। कुछ लोग तो अभी भी खाते हैं, और जंगल पे बर्तन कुछ भी लेके नहीं जाते हैं, वो बस बेम्बू खाते हैं, बेम्बू का अंदर पे डालते हैं, तो चावल हो या सब्जी हो तो उसी के अंदर में डाल के पकाते हैं। तो दोस्तों आपके वहाँ पर तो शायद बेम्बू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन नोटिस में बहुत होते हैं, सो बहुत ही मस्त होते हैं अगर आप इस तरह कुकिंग करके खाएंगे तो। चिकन और मछली भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं हम लोग ऐसे करके। सो गैस अभी नहाते हैं, नहाने का वक्त आ चुका है, तो मैं खाना खाने के बाद नहाता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह। तो दोस्तों आज तो 15 अगस्त है, तो हमारे घर का सामने स्कूल है प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ पर मनाएंगे 15 अगस्त। तो उसमें धीरे धीरे करके सभी लोग जा रहे हैं, स्टूडेंट लोग भी पहुँच चुके हैं, तो हमारे गाँव का सभी लोग तो पहुंच चुके हैं, मतलब लीडर लोग भी पहुंच चुके हैं, गांव का मतलब नेता होते हैं ना, छोटा नेता, तो वो लोग भी पहुंच चुके हैं। अभी फ्लैग होस्टिंग होंगे, तो कलवा भी जाएगा मेरा साथ, जाओगे कलवा तू, ये भी जाएगा मेरा साथ। तो हमारा घर का सामने है, तो उसमें फ्लैग होस्टिंग होगा, तो उसके बाद काम तरह वो मदद करेंगे उसमें, तो काम भी चल रहा है उसमें। तो अभी चलते हैं गैस वहाँ पर जाने का, मुलाकात होते हैं। सो दोस्तों सुबह सुबह तो फ्लैग होस्टिंग भी हो चुका था, तो और वो होने के बाद और 15 अगस्त पूरा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद वो प्रक्रिया जो था वही सब कुछ हो चुके हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर काम चल रहा है, तो हेडमास्टर उसका डेथ हुआ था, उसका डेथ सेरेमनी के लिए पूजा होगा इसलिए। तो दोस्तों आप लोग कल का वो क्रिकेट का आवासों से आप लोग बहुत इरिटेट होंगे हो गए होंगे, तो आजकल तो बहुत ही निकल रहा है वो क्रिकेट के करता है रात को। तो मैं कल वीडियो को इसलिए ख़त्म नहीं किया हूँ क्योंकि आज तो है 15 अगस्त, नहीं तो कल आ जाना था वीडियो, इसलिए डायरेक्ट आज के वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ और नए उम्मीदों के साथ। तो बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट भी। तो मैं इसलिए आप लोगों को गुड नाइट बोलता हूँ क्योंकि आप लोग रात को ज़्यादातर देखते हैं, इसलिए गुड नाइट। और मैं तो शाम को लगभग 4 बजे ही अपलोड करता हूँ, 12 से सकता है फिर से सुबह सुबह। और वीडियो को फिनिश करने के बाद मुझे फिर से नया वीडियो स्टार्ट करना पड़ेगा गाइस।